और बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल पर कुछ लोग और कुछ दल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सीधे इशारा विरोधी पक्ष की ओर है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस नागरिकता संशोधन बिल से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में सुधार आएगा और उन्होंने इस बात को भी इस बैठक में दोहराया कि पिछले 6 महीने में सरकार वो काम करती रही है जो वादा करके वो चुनाव में पहुंचे थे और जनता ने उन्हें इसमें जीत दिलाई है और उसी काम को वो पिछले 6 महीने से लगातार कर रहे हैं। लेकिन बड़ा हमला ऐसे में, जबकि अब राज्यसभा में पेश होने वाला है कुछ ही देर बाद ये नागरिकता संशोधन बिल, लोकसभा में पास हो चुका है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का रवैया और भाषा पाकिस्तान की तरह है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री का ये सीधा हमला किन लोगों की ओर इशारा करता है? देखिए, बड़ा हमला है जो भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ। और प्रधानमंत्री ने एक जो खास बात हमें पता चली है सूत्रों के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है फुल स्टॉप और कॉमा में भी बदलाव नहीं है, वही भाषा यहाँ के कुछ राजनीतिक दल बोल रहे हैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर के। और इस बात को जनता तक, नीचे तक पहुंचाइए, ये अपने सांसदों को, अपने नेताओं को आह्वान किया कि आप ये बात जनता तक पहुंचाइए कि जो भाषा पाकिस्तान नागरिकता संशोधन विधेयक पर बोल रहा है वही भाषा यहाँ के कुछ राजनीतिक दल बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हमला किया है राजनीतिक विरोधियों पर और जो लोग इस सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। और ये सीधा हमला है उन विरोधियों पर जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये बताने की भी कोशिश हुई है कि किस तरह से ये हित में है, देश के हित में है, ये समझाने और बताने की भी कोशिश हुई है? देखिए, इस बारे में पार्टी में पहले ही काफी लंबा चौड़ा मंथन हो चुका है, लेकिन आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम लोगों ने पिछले 6 महीने में वो सब काम किए हैं जिनको लेकर के हम लोग हमेशा से सोचते थे, पार्टी की एक सोच थी, इतने बड़े काम इन 6 महीने में किए हैं तो ये पार्टी के लिए, देश के लिए जो काम हम करना चाहते थे उन कामों को करने में सफलता मिली है। साथ साथ कर्नाटक की जीत को लेकर के भी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए इस जीत के लिए जनता को, और कई ऐसी सीटें जीतने में कामयाबी मिली जिस पर बीजेपी कभी नहीं जीती थी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि ये जानबूझकर इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, कुछ लोगों ने सीधे आरोप लगा दिया कि ये आरएसएस की विचारधारा को लागू करने की कोशिश है, क्या बताने की कोशिश की अपने सांसदों को इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर इसका जवाब देना चाहे वो? देखिए, बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो कई ऐसे काम थे जो पार्टी जिनके लिए सोचती थी और उन सभी कामों को पार्टी ने 6 महीने के अंदर अंजाम तक पहुंचाया है, उन्हें पूरा किया है। और सिटीजन अमेंडमेंट बिल, हालांकि आज चूंकि बैठक ज्यादा देर नहीं चली, संसद का समय था इस कारण से, और गृह मंत्री अमित शाह भी आज बैठक में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कही कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर वो राजनीतिक दल जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है, और पाकिस्तान की भाषा के जो फुल स्टॉप और कोमा है उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। इस बात को बीजेपी सांसद जनता तक पहुंचाएं और जनता को ये संदेश दें कि किस तरीके से दोनों एक ही भाषा का इस्तेमाल इस बिल के विरोध में कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बड़ा हमला है नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करने वालों के लिए, जो संसदीय बोर्ड में अपने सांसदों के बीच में, नेताओं के बीच में प्रधानमंत्री ने बात कही है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।